आगरा के ताजमहल का वीडियो वायरल हो रहा है और कुछ युवकों ने ताजमहल में किया है जलाभिषेक। जलाभिषेक के बाद हर हर महादेव के लगाए हैं जयकारे। ताजमहल में जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस सीआईएसएफ को चकमा देकर अंदर घुसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और आज सुबह बोतलों में भरकर लाए थे गंगा जल। मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए विवाद पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताजमहल में जलाभिषेक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो युवकों को हिरासत में लिया गया है जो कि हिंदू महासभा के बताए जा रहे हैं। तो दो युवक पानी की बोतल के साथ पहुंचे थे ताजमहल के अंदर। कब्र पर जल चढ़ाया गया, गंगा जल से जलाभिषेक का दावा भी किया गया है। तो मौके से दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया है जो कि हिंदू महासभा के बताए जा रहे हैं। और आगरा सिटी के डीसीपी सूरज राय ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को सीआईएसएफ जो कि ताज महल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बॉटल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आगरा के ताजमहल से बहुत बड़ी खबर आपको दे दे, जलाभिषेक को लेकर हिंदू महासभा का बयान सामने आया है। मथुरा से हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम का बयान, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये कह रही हैं छाया गौतम, सावन के पवित्र महीने में जरूरी था ये, जहां आस्था जुड़ी है वहां हिंदू जाएगा ही जाएगा। निश्चित तौर पर ये तेजोमाला शिव मंदिर है जिसके बहुत सारे प्रमाण हिंदुओं के पास हैं, और तभी हम लोग न्यायालय में गए हैं, प्रमाण के बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। तो हमारा ये मौलिक अधिकार है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर दिन हर पल भगवान शिव का है। तो हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले करीब 15 से 20 कार्यकर्ताओं को पहले डाक कावड़ लेने के लिए भेजा, उसके बाद रात को हमारे पास कावड़ आई और हमने सुबह यहाँ आके जलाभिषेक कर दिया। दूसरा ये है कि हमारा शिवलिंग नीचे अंदर है, जो कलंक की निशानी ऊपर तो बनी हुई है, उसके नीचे शिवलिंग है। हमने कई बार विरोध किया और कहा भी है जांच का विषय से जांच कराइएगा, हमारा मौलिक अधिकार है वहां जाना, हम जाते रहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए शिव मंदिर है। हमारी आस्था जहाँ टिकी हुई है हिंदू वहां जाएगा ही जाएगा। आपको लगता है सावन महीने में ये सब कुछ करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि सावन के महीने में हर पल शिव का है, तो सावन के महीने में तो बहुत जरूरी था। वहाँ पब्लिसिटी स्टंट उन लोगों का उस टाइम पे होगा, और ये हमारा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और सनातन को अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में और अब हिंदूवादी सरकार के राज में हम अपने हक को नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? ये निश्चित तौर पर हमारा सही समय है। सनातनियों ने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया है, हम तो अपनी जमीन को, अपनी जगह को, अपने शिव मंदिर को कब्जा किए हुए को उसको आजाद कराना चाहते हैं। कभी सनातनियों का और हिंदुओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो कभी कब्जा करेंगे। 90% हिंदू आता है और आस्था बढ़ेगी और आस्था जगेगी, यहाँ टूरिस्ट और बढ़ेगा। आपको लगता है ताजमहल से अवश्य मंदिर देखने आएंगे? निश्चित तौर पर आएंगे, हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित तौर पर टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा, तो सारी चीजें और व्यवस्थित हो जाएंगी। तो एक बार रामलला का काम पूरा हुआ, अब जो काशी विश्वनाथ का है, अब उसका राम जन्मभूमि, तो उसका क्या ताजमहल भी माना जाए? बिल्कुल माना जाए। हमारी जहाँ जहाँ जगह है, जहाँ जहाँ हमारी जगह को कब्जा किया गया है, निश्चित तौर पर अब सब आजाद होगा। हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें जो पुरानी प्राचीन पुस्तकें हैं, अनेकों पुस्तकों में ये लिखा हुआ है तेजो महल शिव मंदिर है, जिस लगा भी रहे और आगे लगाएंगे भी, और उसी बेस पे हम केस जीतेंगे। सारे प्रमाण न्यायालय में पेश किए जाएंगे और मैं इस बात का दावा करती हूँ कि तेजो महाले शिव मंदिर न्यायालय से जीत के हिंदुओं के पास आएगा और प्रमाण के आधार पर ही आएगा। और वहीं इस घटना पर आगरा के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। कड़कड़ में शिव है, प्रत्येक जगह शिव है, आज भी विश्व में कहीं भी
खुदाई होती है तो हमारे शिव जी मिलते हैं, क्योंकि ये सनातनी परंपरा है, पूरे विश्व में सनातन था, लेकिन कुछ जिहादी आए, उन्होंने हमारे शिव मंदिर को तोड़ के अपनी निशानी दी। आज हम आप मानते जो किया ठीक किया है, जो किया है सही किया है, क्योंकि हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ये जिहादियों की बात सकता नहीं किया, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया है। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब मुगल शासन था इन्होंने मंदिर दरगाह कब्रिस्तान इन्होंने बनाए, उन पर कब्जे किए। उसके बाद फिरंगियों का शासन आया, उन्होंने जगह जगह आज देखिए उनकी कितनी सारी कब्रदा बनी हुई हैं। हिंदू अगर कहीं मंदिर बनाता है, हिंदुओं के मंदिरों की जगह पर कब्रदा बनी है, उनके मिशनरी बनी है, उनके स्कूल बने हैं।